अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मेरे साथ हैं अशरफ भाई, और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जो कि मतलब लेट आते हैं साइप्रस में। मैं अक्सर जिस तरह बताता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आप लोग लेट आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई हुई हैं और मतलब क्लोज़ हो गई हुई हैं, तो लेकिन फिर भी आप लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं। जब आप लेट रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग आते हैं, आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं नहीं ले सकते, या अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो वो सारी जो डिटेल है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ये अशरफ भाई में है, मैं पहले भी एक दो अपनी वीडियोस में अशरफ भाई के साथ आया हूँ, तो मतलब इनका भी यही केस हुआ था कि ये अपनी जब इनकी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई थी उसके बाद ये आए थे यहाँ पे, और आने के बाद इन क्या क्या प्रोसीजर हुआ, इनका वीज़ा लगा या नहीं लगा, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, सारी डिटेल्स जो है मैं इनसे पूछते हैं। तो अशरफ भाई ज़रा स्टार्ट करें। जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, और आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, सबसे पहले ये बात यह है कि मैं नवंबर की 5 से 6 तारीख को आया था, उस टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है ना वो क्लोज़ हो गई थी। तो दूसरे दिन मैं गया इंटरनेशनल ऑफिस में, तो उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, तो उन्होंने कहा आपका फ़लाँ रूम नंबर है, आप ना क्लासें ले सकते हैं। अभी मैंने क्लासें लेना स्टार्ट कर दी थी, तो उसके बाद इनका एक टैक्स होता है वो पे करना होता है, वो टैक्स हमने पे किया। उसके बाद उन्होंने हमें एक डेट बताई लेबॉरेटरी वालों ने कि आप ना इस डेट को आके ना तो अपना मेडिकल करा सकते हैं। फिर हम उस डेट को गए, मेडिकल कराया, मतलब हमारा महीना तकरीबन 1.5 से 2 महीने लेट हो गए थे। रजिस्ट्रेशन हो गई थी आपकी? हाँ, रजिस्ट्रेशन मतलब कागज़ी कार्रवाई के मुताबिक हो गई थी कि आप क्लासें ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लेबॉरेटरी गए थे, लेबॉरेटरी में हमारा तकरीबन फरवरी में हमारे हमें ना वो उन्होंने डेट दी थी कि आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल कराने के बाद फिर ये प्रोसेस ये था, हमने जो है ना इनकी नार सैप्रस वालों का ना वो एक AKTC उनकी हमने टैक्स पे किया है, उसके बाद हमारा वीज़ा जो है ना लग गया था। आपका जो वीज़ा लगा था वो साल का ही लगा था या 6 महीने का लगा था? नहीं, मेरा वीज़ा साल के लगा था। आपका वीज़ा साल का लगा था, यानी कि आप जब आए थे लेट रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपने आके अपनी क्लासेस जो हैं वो ली थी। जी, क्लासेस मैंने उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे कह दिया था कि आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक हो गया। क्लासेस लेने के बाद आप मुझे ये बताएं कि उसमें आपको क्या नुकसान हुआ था, मतलब लेट आने आफ्टर रजिस्ट्रेशन में, मतलब लेट आने पे आपको कोई नुकसान जो आपको नज़र आया हो या आपको पता हो कि आप रिकमेंड करते हैं, जो कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो लोग आ रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करते हैं आप? सबसे पहले तो यही है कि जब मैं लेट आया था तो कुछ क्लासेस वो आगे पढ़ चुके थे, मैं बाद में आया था, और सबसे जो मेन है वो मेरा वीज़ा लेट लगा था, क्योंकि फरवरी में मेरा वीज़ा लगा था और सितंबर की 30 को ख़त्म हो गया था, जो बड़ा नुकसान हुआ है हमें ये हुआ है। जी जी बिल्कुल। यहाँ का जो मैं आपको वीज़े का भी बताता जाऊँ, वीज़ा जो होता है स्टार्टिंग वो सितंबर से सितंबर होता है, यानी कि 1 सितंबर से दूसरे साल के सितंबर तक 1 साल का वीज़ा लगता है, लेकिन आप जब आए थे तो फिर आपका 6 महीने का वीज़ा लगा था, ऐसे ही है? वीज़ा तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये साल का, लेकिन वो सितंबर को ख़त्म हो गया था, मतलब फरवरी को लगा और सितंबर को ख़त्म हो गया, मतलब 6 महीने बनते हैं, यही 6 से 7 महीने बनते हैं। 6 महीने हो गए। और स्टडी की बात अगर करते जाएं तो स्टडी पे आपका क्या इफ़ेक्ट हुआ था, लेट जब आए थे तो मिड स्टार्ट हो गया था या जो भी सीन था, मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, उस टाइम महीना तकरीबन हो गया था उन लोगों को क्लासें लेते हुए, मैं जब आया था तो मैं उनका टेस्ट नहीं पास कर सका, मतलब इतनी स्टडी मैं नहीं कर सका कि उनका टेस्ट पास हो सके। टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का हुआ था हमारा, वो भी मेरा मतलब फेल हुआ था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जब आप आए थे तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंपलसरी होता है? कंपलसरी होता है क्योंकि इसमें ग्रामर, इंग्लिश में जो भी होती है ना, मतलब सेंटेंसेस वगैरह वो सारे उनमें मिक्स थे, वो भी टेस्ट में पास नहीं कर सका, मतलब उसके बाद मुझे ना 2 से 3 महीने क्लासें लेनी पड़ी, तब मतलब मेरी जो है ना फर्स्ट टर्म पास हुई थी। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी आपने बात कर दिया, तो थोड़ा सा उसका भी बताते जाएं कि वो किस तरह का टेस्ट होता है, किस लेवल का टेस्ट होता है, और जो आ रहे हैं पाकिस्तान से अगर उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर CIU प्रिपेयर करना हो तो किस तरह का टेस्ट होता है, थोड़ा सा उसका भी सिनेरियो बता देंगे। लर्निंग होता है, स्पीकिंग होता है, रिटर्न होता है, किस तरह का टेस्ट होता है? जी बिलाल भैया, आपकी बात तो बड़ी काम की है। सबसे पहले तो यही बात है कि अगर पाकिस्तान से आप लोग आ रहे हैं या PT या IELTS करके हैं, अगर नहीं करके हैं तो उसका भी इशू नहीं है, इधर आके आप 6 महीने लगा सकते हैं, लगाने के बाद आप अपना इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपका मॉक टेस्ट भी होगा, मतलब इंटरव्यू भी होगा, लिसनिंग भी होगा, स्पीकिंग भी होगा, ये सारे टेस्ट होंगे। लेकिन सिर्फ आपको नुकसान ये है कि यहाँ आपको
7-800 यूरो पे करना पड़ेगा। इस अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप पाकिस्तान से पीटी या आइल्स करके आए, वहाँ पैसे कम लगते हैं आपके। चलें, अगर वो आइल्स वगैरह नहीं करके आते तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू आते हैं, उनका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो टेस्ट किस तरह का होता है? टेस्ट यही होता है अक्सर, मतलब ग्रामर ही होती है उसमें। मतलब की ग्रामर, ग्रामर मतलब इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होंगे, इज एंड एट, ये जो छोटे वर्ब्स होते हैं ये होंगे, और कुछ उन्होंने मतलब पैराग्राफ दिए होंगे, उनसे ना आपने 6 से 7 क्वेश्चन ढूंढ के ना उनके जवाब देने, मतलब जवाब उनके अंदर ही होते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल टेस्ट नहीं होता, अगर बंदा थोड़ी बहुत ग्रामर जानता है तो वो इजीली पास कर सकता है। कितने मार्क्स का टेस्ट होता है और कितने मिनिमम आने चाहिए, या किस तरह का टेस्ट होता है, इसके नंबरिंग की क्या ग्रेडिंग होती है इसमें? नंबरिंग तो यही होता है कि 100 का पेपर होता है, 100 नंबर का, तो उनमें से अगर आपके 50 भी आ जाते तो आप पास कर देते हैं, मतलब 100 में से, यानी कि 50 भी आ जाए तो आप पास हो जाते हैं। मतलब हमें उन्होंने यही कहा था कि 50 जो है ना लाजिम है। ठीक हो गया। मैं आप लोगों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का बताता जाऊँ कि ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इनका मतलब कंपलसरी होता है, मास्टर्स हो जाएं बैचलर्स हो जाएं, दोनों का कंपलसरी होता है। मास्टर्स वालों को ये रिलीफ मिल सकती है कि आप अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, आप उसे कहते हैं कि हमारी जो पिछली डिग्री थी वो भी हमने इंग्लिश में स्टडी में की है, तो हमारा ना रिलीफ दे दें, हम मास्टर में मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना चाहते। सो इट्स अप टू एडवाइज़र कि अगर वो क्लियर कर दे तो ओके, अदरवाइज़ आप लोगों का इंग्लिश टेस्ट होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो जिस तरह बताया अशरफ भाई ने कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या मतलब इज एम आर या इस तरह की जो बेसिक ग्रामर्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। मतलब कि यही है कि आपको अगर थोड़ी बहुत ग्रामर की समझ है तो वो टेस्ट ईजिली पास हो जाता है, टेस्ट इजीली पास हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, और उसके बाद फिर ये है कि आप लोगों का अगर वो टेस्ट पास नहीं होता, अगर आप लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हो, तो वो उस टेस्ट में आप लोगों को ये इंग्लिश क्लासेस में डाल देते हैं 6 महीने के लिए, जिसकी जो फीस है वो 700 से 800 यूरो है। बिल्कुल ठीक, इतने आजकल इतने चार्ज कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 300 से 400 की तो इनकी बुक्स आ जाती हैं, मतलब अच्छा बुक्स भी लेनी होती हैं इनकी। हाँ, बुक्स ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये बुक्स से ही प्रिपेयर करवाते हैं, सारी चीज़ें उस बुक्स में दी होती हैं, और 2 से 3 जो बुक्स होती हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की होती हैं। अगर आप 6 महीने करने के बाद अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो आप 100 पाउंड या तकरीबन 150 पाउंड दे के ना आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। लें जी, ये अशरफ भाई थे मेरे साथ, और इनके साथ मतलब मैंने ये वीडियो बनाई स्पेशल इसलिए, कहते हैं ना बात से बात निकल गई, तो 2 पॉइंट जो है आज की वीडियो में है वो ये कि अगर आप लोग लेट आते हैं तो उससे आप लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, दूसरा ये कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस तरह का होता है। तो एंड में अशरफ भाई, आप कोई पैगाम देना चाहते हो जो लेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और जिस तरह इस टाइम राइट नाउ सिचुएशन है साइप्रस की, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी अपनी कोई राय आप बयान करना चाह रहे हो? सबसे पहले तो यही है बिलाल भाई कि अभी जो लेट आ रहे हैं ना, स्टडी पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन इनमें भी स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, क्योंकि जो ये कंट्री है ना, इन्होंने जो अभी वीज़े वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ये जो उनके वीज़े आ रहे हैं ना 1, 2, 3 ट्रांजिट वीज़े वाले, तो ये इसमें स्टूडेंट फंस गए हैं, वरना मसला नहीं है कोई। आप लेट भी आ रहे हैं तो आप अपना थोड़ा सा फोकस करके ना तो अपनी स्टडी इंप्रूव कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप आते ही ना अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, जितनी जल्दी हो सके अपना वीज़ा लगवा के सिक्योर हो जाएं। चलें जी, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी तरफ से और अशरफ भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।